When a monochromatic light is incident on a surface separating two mediums, the reflected and refracted light both have same frequency as the incident frequency y. ठीक, क्या होता है, ये लंबा आंसर है, पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ. लाइट आती है, लाइट फोटोन से बनती है, फोटॉन्स बहुत सारे फोटॉन्स से ट्रैवल करते हैं तो लाइट बोलते हैं उसे. लाइट रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ी बहुत लाइट बाहर भी चली जाती है, रिफ्लेक्ट करती है. ये कह रहे हैं इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वही इसकी भी है, वही इसकी भी फ्रीक्वेंसी, तीनों लाइट्स की सेम रहती है, तीनों लाइट की. ऐसा क्यों? अब आंसर सुनिए. लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स. विच हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. वेन दे एंटर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंटर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स बिगिन ऑसिलेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी. दिस ऑसिलेशन ट्रांसफर्स, या कह सकते हैं रेडिएट्स एनर्जी टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी ट्रैवल करती है टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन टू स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग एट सेम फ्रीक्वेंसी. दिस बैटन रिले ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन टू अदर कॉजेज रिफ्रैक्टेड रे. तो यही है वो रिफ्रैक्टेड रे. आफ्टर ऑल रिफ्रैक्टेड रे है क्या? एनर्जी तो है, और ये एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है? वन इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, उससे कोई दूसरा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिफ्रैक्टेड रे बनती चली जा रही है. हावेवर इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के पास होते हैं, क्लोज टू द सरफेस एमिट आउट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एट सेम फ्रीक्वेंसी एज द रिफ्लेक्टेड रे. Hence, even the reflected ray has same frequency. Very important question. Very very important question. आपको पता होना चाहिए, और ये इतना ही बड़ा है, NCERT question है. छोटे में देखते हैं कैसे बोल सकते हैं इसको समझने के लिए. फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन को हिलाया, ऑसिलेट किया. एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को वही फ्रीक्वेंसी दे दी जो सेम फ्रीक्वेंसी फोटोन से पहले इलेक्ट्रॉन ने ली थी. एक दूसरे को देता रहा, बन गई रिफ्रैक्टेड रे. ऊपर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी कुछ एनर्जी बाहर फेंक दी ऑसिलेशन की, उससे बन गई रिफ्लेक्टेड रे. तो जो फ्रीक्वेंसी फोटोन की थी वही इलेक्ट्रॉन की थी, और उस इलेक्ट्रॉन ने वही फ्रीक्वेंसी बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदान करी और बाहर भी वही फ्रीक्वेंसी भेज दी. इस वजह से ही तीनों लाइट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है.